गाड़ी भाजपा की, तेल भाजपा का, कार्यकर्ता भाजपा का, लेकिन प्रमोशन ओम प्रकाश राजभर का। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्दिन आ जाएगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा था कि यही अगल बगल तीन राजभर नेता है, अनिल राजभर, हरि नारायण राजभर, विजय राजभर, इन लोगों को पीछे कर दिए और ओम प्रकाश राजभर को आगे ले आए। तो अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे पीछे ढकेलते जा रहे हैं और अपना सब चीज़ धन मन लगा के ओम प्रकाश राजभर का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो भारतीय जनता पार्टी को यह करने पर मजबूर कर रही है? अब अगर उनको ये लगता है कि राजभर वोट बढ़ जाएगा, तो हम बता रहे हैं कि फॉरवर्ड वोट घट जाएगा। अब आप ये समझिए कि आप राजभर वोट कितना प्राप्त कर लेंगे और उसकी अपेक्षा कितना फॉरवर्ड वोट है जो घट जाएगा, तो आप जीत कहाँ से रहे हैं? अरे तो ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीता रहे हैं ना, ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव जीता लिए हैं। 90% जो मुस्लिम वोट है वो जाएगा सपा को, 90% जो यादव वोट है वो सपा को जाएगा, 90% क्षत्रिय वोट है वो सपा को जाएगा, 90% भारतीय जनता पार्टी के पास एक चौहान छोड़कर कोई वोटर नहीं है। जो राजभर है उसमें दो गुट है, उसमें वो 60% वोट पा जाए, फॉरवर्ड उनको वोटर नहीं दे रहा है, तो उनको वोट मिल कहाँ से रहा है? दलित वोट उनके साथ है ये नहीं है, कहाँ से वोट मिल रहा है उनको? जबरदस्ती ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के पैसे पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। 20 साल हो गया, 20 साल में वो तो जब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के यहाँ के नेता हैं, उनको जब आपत्ति नहीं है तो आपको कहाँ आपत्ति है? अरे भैया आपत्ति सबके है, लेकिन बोल के हूँ ना पावत है, आपत्ति सबके है, बोल के हूँ नहीं के पावत, बोल हम पावत है, कहें कि ना हमारी पर रास चुका है, न पासको है, न ढमका है, तो हम बोल पावत है, हम सब बोलत है भाई हमारे पीछे कुछ हुआ ना, हाँ तो का कर ले लोग, मरवा दी आओ का करे, आओ का कर लो ये लोग, एक अलावा तो मुँह ना बंद होते वाला। इस चुनाव में मगर ओम प्रकाश राजभर पूरा दावा कर रहे हैं कि सपा के साथ थे, तो सपा जीती थी, इस बार बीजेपी के साथ आए हैं। सपा जीती थी क्योंकि सपा के वोटर सपा के साथ थे, ओम प्रकाश के वोटर जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो ओम प्रकाश क्योंकि माई बहन का गरियौले हुआ यही से उहट जाइए सर, ये समझे चाहिए, यही खातिर उहट जाइए। तो क्या लग रहा है आप, मतलब क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनदेखा हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो अनदेखी हो ही रही है। अब मेरा आंदोलन ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, क्योंकि यह जो जिस प्रकार का उनके साथ, आप वहाँ जाएंगे शटर के बाहर इनको खड़ा कर दिया जाएगा, अरे अभी प्रदेश अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है, अभी संगठन मंत्री अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद दारा सिंह चौहान जैसे दल बदलू हेलो हाँ आ रहे हैं तो डायरेक्ट उनका ऊपर छत पर प्लेन लैंड होता है, डायरेक्ट नीचे चले जाते हैं, टिकट लेते हैं चले आते हैं। उसके बाद यहाँ कार्यकर्ता, अरे कार्यकर्ता हर कोई है, सबके माँ बहन को गाली देने वाला व्यक्ति का आप जय जयकार करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपके ऊपर थू है यार, थूक देना चाहिए आपके ऊपर, ये आपकी दुर्दिन आ गए हैं। किसने कहा था इसको लेने के लिए? दारा सिंह चलिए, दारा सिंह का विरोध सिर्फ इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति साथ में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को गाली देने वाला व्यक्ति साथ में, चलिए मान लीजिए एक बार मैं माफ भी कर देता हूँ, वो 7 बार दल बदले लेकिन कोई किसी को गलत नहीं कहा, लेकिन इस व्यक्ति ने जो है उसने माई बहन गरिया के और उसके बाद ऐसे दल बदलुओं को ले आना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या ही तो है, और है क्या? हाँ तो अब तो देखिए ना, सपा को गरिया रहे हैं ना बीजेपी में आकर, अब तो अहिरों को और समाजवादी पार्टी को खूब गरिया रहे हैं। अब आप देखिए कि सपा ले लेती है क्या उनको, सपा जो है वो ले लेती है क्या उनको? नहीं ले पाएगी, वो लेगी ही नहीं। आत्मसम्मान की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा अगर आत्मसम्मान है तो इसमें सत्ता परिवर्तन होने वाला नहीं है, न सीट बदलने वाली है, आपको एक ही सूत मैसेज देना है, इसको हराइए। हार रहे हैं तो कल से नाम लेना चालू किया कि मोदी योगी को अगर 2024 में जिताना है तो 6 महीना पहले ही वोट दे दो, ये क्या मूर्ख बनाते हैं। शिक्षा में जो है ये कुछ करना नहीं चाहते, आप क्षेत्र क्षेत्र की आपको प्रॉब्लम नहीं पता है, बड़ा गांव का रेलवे क्रॉसिंग है, आपको यहाँ की बुनियादी चीजें नहीं पता है, उसको खुलवाना है, आपको यहाँ पे पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपया घूस लिया जाता है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे शौचालय में 2,000 रुपया घूस लिया जाता है, आपको पता नहीं है कि यहाँ जाति के प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत आ रही है, तो आपको पता क्या है, किस बेस पे आप वोट मांगने चले आए हैं, क्या पता है आपको? राशन दे रहे हैं ना जनता, अरे राशन दे रहे हैं, चलिए आपने एक और चीज अच्छी याद दिला दी, 5 किलो राशन में 4 किलो राशन मिलता है, 1 किलो कोटेदार चोरी कर रहा है, इसके लिए भी मैंने कहा है, और मेरे से ये सारी चीजें महिलाएं बताती हैं,
मैं जाके एक जगह चाट पर बैठ कर लोगों का दिक्कत सुनता हूँ। हर जगह पे आप यहीं अगल बगल अगर घुमा लीजिएगा तो राशन में 1 किलो राशन चोरी हो रहा है। बताइए 5 किलो राशन गरीबों का, उसमें से 1 किलो चुरा लेने वाले लोग कैसे होंगे? आप क्या शासन लगा के बैठे हुए हैं जो आप ऐसे लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, शासन ने जो है सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं? आप इस उपचुनाव में घूम घूम कर क्या बीजेपी को, बीजेपी प्रत्याशी को हराने का काम कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लिए खूब प्रचार कर रहा हूं और दारा सिंह को हरवाने का काम कर रहा हूं।